गोवा के कानाकोना इलाके में हुए बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की तादाद 19 तक पहुंच चुकी है। राहत और बचाव का काम अभी भी लगातार चल रहा है। कल दोपहर लगभग 3 बजे एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत भरभराकर वहां काम कर रहे करीब 100 मजदूरों पर ही गिर पड़ी थी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बनने से पहले ही ये 5 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील होकर कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ देगी। गोवा के दक्षिणी हिस्से में मौजूद कानाकोना इलाके में शनिवार दोपहर 3 बजे ये निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत भरभराकर ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई। हादसे के वक्त रूबी मैंसन नाम से बन रही इस रिहायशी इमारत में करीब 100 मजदूर काम कर रहे थे। रात के वक्त ही मलबे में दबकर मरने वालों की तादाद 14 हो चुकी है। जान गंवाने वालों में ज्यादातर यहां काम कर रहे मजदूर थे। राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है, जिसमें सेना की भी मदद ली जा रही है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी घटनास्थल पर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने हादसे के जांच के आदेश दे दिए हैं। कहा है कि इस मामले में नगर निगम कर्मचारियों के अलावा बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी भारत रियल्टर्स एंड डेवलपर्स के खिलाफ भी जांच होगी। हालांकि अभी तक इस इमारत के पूरी तरह से तैयार होने से पहले ही मलबे में तब्दील होने की वजह सामने नहीं आई है। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए घटना पर दुख जताया है। उन परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है जिन्होंने गोवा के इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। मेरी प्रार्थना सभी घायलों के साथ है। ये तो तय है कि कहीं ना कहीं किसी की लापरवाही से गोवा के कानाकोना इलाके की ये इमारत कई जिंदगियों पर भारी पड़ गई। इंसाफ तभी मिलेगा जब इसके गुनहगारों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।